पक्षी इस धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ पक्षी छोटे होने के साथ बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जबकि कुछ पक्षी बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। दुनिया में ऐसे पक्षी भी होते हैं जो बड़े जानवर और इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में। नंबर 10, कन्नाडाई हंस। कन्नाडाई हंस एक बड़ा पक्षी है जो कन्नाडा सहित उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये 3.6 फीट लंबे और 24 पाउंड तक वजनी हो सकते हैं। कन्नाडाई हंस मीठे पानी के तालाबों, झीलों, नदियों और समुद्री तटों के आसपास खुले आवासों को पसंद करते हैं। ये पक्षी खतरनाक भी होता है क्योंकि ये पक्षी इंसानों पर हमला करने के लिए जाना जाता है। जब कोई इंसान और जानवर इसके बच्चों के करीब आता है तो ये किसी भी बड़े जानवर के सामने फिर सकते हैं। नंबर 9, यूरोपीय हेरिंगगुल। यूरोपीय हेरिंगगुल एक बड़ा गल्स है जो पूरे यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये अपने सफेद सिर, गर्दन, निचले हिस्से और हल्के भूरे रंग की पीठ से पहचाना जाता है। यूरोपीय हेरिंगगुल के फंकों का फैलाव 5 फीट तक होता है और इनका वजन लगभग 3 पाउंड तक होता है। अपने बड़े आकार और खतरनाक बनाने के कारण यूरोपीय हेरिंगगुल को खतरनाक भी माना जाता है। नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया मैगपाई। ऑस्ट्रेलिया मैगपाई एक काले और सफेद रंग का मध्यम आकार का पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ये लगभग 17 इंच तक लंबे होते हैं और इनके फंकों का फैलाव 2 फीट तक होता है। ये जीव खुले आवासों को पसंद करते हैं जहाँ ये जमीन पर छोटे जानवर और कीड़े का शिकार कर सकते हैं। हालांकि इन पक्षियों का केवल छोटा प्रतिशत ही मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये संभव है कि किसी पर भी हमला हो सकता है। ये पक्षी गोता मारते हैं, झपट्टा लगाते हैं, यहाँ तक कि जमीन से भी हमला करते हैं। नंबर 7, ग्रेट नॉर्दर्न लूप। ये एक जलीय पक्षी है जिसके फंकों का फैलाव 5 फीट तक होता है और इसका वजन 18 पाउंड तक होता है। ये अपने काले सिर, सफेद निचले हिस्से और पीठ पर चेक से पैटर्न से पहचाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ये कनाडा में सबसे आम है जहाँ ये झीलों, बड़े तालाबों में भी पाया जाता है। नंबर 6, चंटी ईगल। ये ईगल दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स में से एक है और सबसे शक्तिशाली शिकारी पक्षी है। इसके फंकों का फैलाव 6 फीट तक और 3 फीट लंबा होता है। इस ईगल के पंजे 5 इंच लंबे और शक्तिशाली पैर होते हैं जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है। ये मुख्य रूप से बंदरों और आलसियों का शिकार करते हैं, लेकिन ये हिरण या चींटीखोरों का भी शिकार करते हैं। इन चीलों के पंजे 530 PSI के होते हैं, जिसका मतलब है कि ये अपने शिकार की हड्डियों को तुरंत ही कुचल सकते हैं और अपने शिकार को तुरंत ही मौत के घाट उतार सकते हैं। नंबर 5, बड़े सिंह वाला उल्लू। ये उल्लू बड़ा उल्लू माना जाता है जो उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। ये मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इस उल्लू के फंकों का फैलाव 4.6 फीट तक होता है। इन्हें टाइगर उल्लू भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे डरावने उल्लुओं में से एक है। ये पक्षी अमेरिका में सबसे आम पक्षियों में से एक है। ये जंगलों, दलदलों, घास के मैदान और रेगिस्तान सहित कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बड़े सींग वाला उल्लू को खतरनाक भी माना जाता है क्योंकि इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने से बड़े जानवर पर भी हमला कर देता है। नंबर 4, लेम जियर। लेम जियर को दाढ़ी वाले गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया के पहाड़ों पर पाए जाने वाले सबसे बड़े शिकारी पक्षी है और ये दुनिया के सबसे बड़े गिद्ध है जिनके फंकों का फैलाव 9 फीट तक होता है और इनका वजन 17.2 पाउंड तक होता है। ये शिकारी पक्षी 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये अपने आसपास के अन्य जानवरों के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और ये गिद्ध आमतौर पर ऊंचाई पर उड़ते हैं। अगर कोई संभावित खतरा इनके क्षेत्र में आता है तो ये हवा से ही हमला करते हैं। नंबर 3, एमू। एमू ऑस्ट्रेलिया के बड़े उड़ने में असमर्थ पक्षी है। ये शुतुरमुर्ग के बाद दूसरे सबसे लंबे पक्षी है और इन्हें कई तरह के आवासों में पाया जा सकता है। इस जानवर की बड़ी चोंच और मजबूत पैर होते हैं जो इन्हें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की अनुमति देते हैं। ये 6 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और इनका वजन 100 पाउंड से अधिक होता है। इस पक्षी को खतरनाक भी माना जाता है क्योंकि एमू इंसानों से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। अपने शिकार को ये एक जोरदार किक में मार सकते हैं। अगर कोई एमू इन पर हमला करता है तो लोगों के लिए उनसे बच पाना नामुमकिन है क्योंकि उनके पैर बहुत ही लंबे और मजबूत होते हैं। नंबर 2, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एशिया, अफ्रीका और अरब सागर में पाए जाने वाला एक बड़ा पक्षी है। ये आमतौर पर शुष्क और रेतीले वातावरण में पाए जाते हैं और इन्हें कुछ जानवरों में से एक माना जाता है जो बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। इसका शरीर बड़ा और गर्दन लंबी होती है और ये 9 फीट लंबा और 300 पाउंड वजनी हो सकता है। ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी बनाते हैं। अपने छोटे फंकों के कारण शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकते, लेकिन ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। नंबर 1, केसोवरी। केसोवरी एक बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी है। ये न्यू गिनी और उसके पड़ोसी द्वीपों पर पाए जाते हैं। ये प्रजाति दलदल, सवाना और नीलगिरी के जंगलों को पसंद करते हैं जहाँ ये मुख्य रूप से जमीन पर पाए जाने वाले फलों को खाते हैं। केसोवरी अपने छोटे फंकों और बड़े शरीर के कारण उड़ने में असमर्थ होते हैं। ये पक्षी 6 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और इनका वजन 100 पाउंड से अधिक हो सकता है। ये जानवर शक्तिशाली पैरों के साथ अच्छे तैराक होते हैं जो इन्हें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने और 4 फीट ऊंची
भी छलांग लगाने की अनुमति देते हैं। ये अपने लंबे पंजों से किसी को भी गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं और ये मनुष्य पर भी हमला करने के लिए जाने जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।